हाय गाइस, आप सभी को मेरे किचन में स्वागत है। और आज मैं पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। बहुत दिन बाद सब्जी की रेसिपी जाएगी, तो ये दही मलाई का निकला था तो उसी में से ये पनीर निकला है। दही को फाड़ लेती हूँ। मलाई निकालने के बाद दही में विनेगर डालकर पनीर बना लेती हूँ। तो वही था दही में के पनीर निकला है दही में से। ये जो लाल लाल है वो थोड़ा सा पकड़ लेता है पनीर जब बनाओ, तो उसी का लालपन है, तो इससे कुछ नहीं होगा। पनीर को छोटा छोटा हम काट लेंगे। तो तड़का लगाने के लिए हम गरम मसाला निकाल लेते हैं। ये दालचीनी ले लेंगे तड़का लगाने के लिए, लौंग, तो हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। तेल गरम हो रहा है पनीर को सबसे पहले मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद पिंक कलर तक हमें फ्राई करना है। धीरे धीरे हमें पलटना है क्योंकि पनीर बड़ा सॉफ्ट है, यानी मुलायम बहुत है, इसलिए टूटने का डर है। इसलिए हम बहुत धीरे धीरे चलाएंगे, टूटे भी ना, हमारा पनीर अच्छे से भुना जाए। तो इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देते, मतलब 2 मिनट के लिए नहीं, ऐसे चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, पनीर भुनाता रहेगा। तो पनीर भुना गया है, देखिए पिंक कलर का हो गया है। अब मैं तड़का लगा दूंगी। आप लोग कहेंगे तेल गंदा है, तेल गंदा नहीं है, जो मैंने पनीर फ्राई की हूँ उसी का है। टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा सा लाल हो गया है, तो मैंने उसे नहीं हटाया, मैं उसी में वो तड़का लगा दी हूँ। ये लहसुन अदरक प्याज का मसाला है, ये कटा हुआ टमाटर है, ये मटर है। अभी मैं इसी मसाले में भूनूंगी। तो सबसे पहले मैं मसाला निकाल लेती हूँ। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। लाल मिर्च हम उसी हिसाब से निकालेंगे क्योंकि हमें गरम मसाला भी डालना है। तो तड़का लाल हो गया है, मसाले को हम भूनेंगे। टमाटर को भी साथ में डाल देंगे, टमाटर गल जाए अच्छे से, वरना गलता नहीं है टमाटर जल्दी। मसाले को हम ढक देंगे और हम ढक ढक के बीच बीच में हम खोल खोल कर देखते रहेंगे मसाले को, और चलाते भी रहेंगे। मसाला अच्छे से भुना जाए तब हम इसमें और चीज़ें डालूंगी। तो चलिए मैं ढक देती हूँ। तो मैं ढक दी हूँ मीडियम आँच करके, डाल देंगे साथ में। तो मसाला भुना गया है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, पनीर भी हम डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे, सब डालकर हम चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कसूरी मेथी भी डाल देंगे। तो अब हम इसमें सब कुछ हो गया है, जो पढ़ना था वो पढ़ चुका है। अब ये थोड़ा सा पानी जो मैं डाली हूँ वो पक जाए, तब हम इसे उघार के देखेंगे, मतलब देखेंगे देखने के बाद।